अस्सलाम वालेकुम। ये 7 अक्टूबर 2019 की आज की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये फर्स्ट जो न्यूज़ है, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ब्लैक लिस्टेड फ्राम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। ये नेपाल, पाकिस्तान और जो इंडिया से स्टूडेंट्स जाते हैं उनको लेबल किया गया है हाई रिस्क के तौर पर, और उनकी अब स्क्रूटनी जो है डेप्थ के साथ की जाएगी। और जाहिर है फिर वो वीज़ा प्रोसेस टाइम लेगा और स्टूडेंट्स का इंटेक से मुतासर होगा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी ये खबर है नम्स के हवाले से कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उन्होंने MDKAT अपना दोबारा लिया। इससे पहले वो पहली सितंबर को ले चुके थे, अब 6 अक्टूबर को उन्होंने लिया। 94 टोटल सेंटर थे और जो स्टूडेंट्स की तैदाद इन्होंने लिखी है 34,687, और 3,000 को इनविजिलेटर थे इसके जो टेस्ट कंडक्ट करने के हवाले से। इनका रिजल्ट जो है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट संडे 13 अक्टूबर को वो अनाउंस करेंगे। उसके बाद ये लर्निंग फ्रॉम फिनलैंड आर्टिकल पब्लिश हुआ है पाकिस्तान टुडे में उमर जावेद साहब का। ये एक तरह से जो फिनलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह अपने सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाया और उस अपने मुल्क को दुनिया के एक टॉप कंट्रीज में लाने में उसका क्या किरदार रहा एजुकेशन सेक्टर का, उस हवाले से है। इस पे मैं आपको शेयर करता चलूँ कि एक फिनलैंड फिनामिना के नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, क्योंकि फिनलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, इनफॉर्मल है, और उसकी जो ज़्यादा पीयर रिव्यू पे फोकस कर रहा होता है स्टूडेंट्स की जो कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उनको कैरियर सिलेक्शन और उसमें वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो ये जो इमरान साहब, उमर जावेद साहब है, उन्होंने उसी तरह की जो वहाँ रिफॉर्म सेक्टर में उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी ला रही है उसके हवाले से उन्होंने लिखा है। उसके बाद दी न्यूज़ का ये कैरियर काउंसिल का पेज है, ये हर मंडे को आ रहा होता है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज भेजते होते हैं और जो वहाँ से फैसिलिटेटर है सैयद आब्दी वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, मुख्तलिफ हायर एजुकेशन सेक्टर के हवाले से या इंटरमीडिएट ए लेवल के हवाले से क्वेरीज होती हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की। ये दी न्यूज़ में खबर आई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो PA प्रोग्राम के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जो मुख्तलिफ सेंटर्स जो कि 850 यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उन सेंटर पे एट ए टाइम हो रहे हैं, और रीजनल सेंटर को कंसल्ट किया जा सकता है अगर कोई डिफ़िकल्टी कोई इश्यूज़ हैं। ये दी न्यूज़ की खबर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पेशावर ने जो उनका कैरियर डेवलपमेंट सेंटर है उसने एक सेशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया विथ MOL पाकिस्तान। MOL ऑयल एंड गैस कंपनी है और स्पेशली इन्होंने जो है फीमेल इंजीनियर्स प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है MOL ने, उस हवाले से ये ओरिएंटेशन थी और स्टूडेंट्स को प्राइज़ किया गया स्पेशली फीमेल को कि उनके लिए क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो है ओपिनियन डेली टाइम्स में पब्लिश हुआ है उमेर परवेज़ खान का। ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुए बहरिया यूनिवर्सिटी में या कामशेड यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मेडिकल और जो एक तरह से केयरलेस नेस की वजह से दो जानें ज़ाया हो गई, तो उस हवाले से ये दो खबरें जो थी वो बैकग्राउंड है इस आर्टिकल का, और साथ में जो उन्होंने सजेशंस भी दी हैं कि किस तरह इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, प्रोफेशनलिज्म और जो गवर्नेंस और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं इसमें।